दिल्ली के डिप्टी सीएम पर जांच एजेंसी सीबीआई की तलवार लटकी हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने रविवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया की गिरफ्तारी दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में हुई। सिसोदिया को रविवार को 9 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में आपराधिक साजिश रची है और उन्होंने सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर सीबीआई ने 6 महीने पहले मामला दर्ज किया था। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो आइए आपको पूरा मामला बताते हैं कि जांच एजेंसी के मुताबिक इस घोटाले के मुख्य किरदार कौन है और क्या कुछ हुआ। दिल्ली सरकार 2021-22 में नई शराब नीति लेकर आई। दिल्ली सरकार का दावा था कि इस पॉलिसी से माफिया राज खत्म हो जाएगा और सरकार का राजस्व बढ़ेगा। दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई तो नतीजे सरकार के दावों के ठीक उलट आए। 31 जुलाई 2022 को कैबिनेट नोट में सरकार ने माना कि भारी बिक्री के बावजूद रेवेन्यू का भारी नुकसान हुआ। दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस मामले में LG वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगा था। LG ने मुख्य सचिव को रिपोर्ट के आधार पर 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने केस दर्ज कर कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को नई आबकारी नीति में धोखाधड़ी रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों पर मामला दर्ज किया था। सिसोदिया के अलावा अरवा गोपी कृष्ण, आनंद तिवारी, पंकज भटनागर, विजय नायर और एक मनोरंजन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पुनार रिकॉर्ड के पूर्व कर्मचारी मनोज राय, ब्रिंडिगो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप ढल, इंसोस्पिरिट ग्रुप के निदेशक समीर महेंद्रू, बड़ी जेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, महादेव शराब, सनी मारवा, अरुण रामचंद पिला और अर्जुन पांडे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी सड़कों पर आ गई है। जमकर दिल्ली की सड़कों पर बवाल देखा जा सकता है।